नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ में मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। भोपाल, राजधानी भोपाल में कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बताया कि देश में और प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं। आज ना अस्पतालों में बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है और ना समय पर दवाई मिल रही है। बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में है। प्रदेश का हाईकोर्ट बार बार यह निर्देश दे रहा है कि लोगों को बेड उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध कराए, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के निर्देश का भी कोई पालन नहीं कर रही है। ऐसे संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। योग से निरोग आपदा में भी अक्सर तलाशे जा रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर उसके होर्डिंग्स सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए इसके प्रचार प्रसार पर खर्च किए जा रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है, जब लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और इलाज नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में लाखों करोड़ों रुपए इस तरह के कार्यक्रम में लुटाने की क्या जरूरत है। भोपाल से संवाददाता साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। देश में प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात है। आज न अस्पतालों में लोगों को बेड मिल रहा है, न समय पर इलाज मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है, न जीवन रक्षक दवाइयां व उपकरण इंजेक्शन मिल रहे हैं। बड़ी बद से बदतर स्थिति है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में है। प्रदेश का हाईकोर्ट बार बार निर्देश दे रहा है लोगों को तत्काल बेड उपलब्ध कराएं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराएं। सरकार हाईकोर्ट के निर्देश पर भी अमल नहीं कर पा रही है। ऐसे संकट के समय भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आज से एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करी, योग से निरोग। आपदा में भी औसत तलाशे जा रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर उसके होर्डिंग सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। करोड़ों रूपये इसके प्रचार प्रसार विज्ञापन पर खर्च करने का काम शुरू हो चुका है। बड़ी शर्मनाक बात है कि ऐसे समय जब हाईकोर्ट भी बार बार निर्देश दे रहा है, जब लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर की कमी है, उपकरणों की कमी है, तो लाखों करोड़ों रुपए इस अभियान के नाम पर लुटाने का क्या औचित्य। प्रदेश की जनता ने शिवराज सरकार का 16 वर्ष का कार्यकाल देखा है। किस तरह इस तरह के झूठे अभियान आयोजनों के नाम पर नौटंकी की गई, लाखों करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से लुटाए गए। यदि वही पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं को जुटाने में लगाया जाता तो आज प्रदेश की यह स्थिति नहीं होती। शिवराज सरकार में पहले ही प्रदेश किसानों की आत्महत्या, भ्रष्टाचार, महिलाओं से बलात्कार के मामले में देश में शीर्ष पर रह चुका है। अब तो ऑक्सीजन की कमी से मौतों के मामले में देश में शीर्ष पर पहुंच चुका है। आज भी जबलपुर में कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौतों की घटनाएं सामने आ चुकी। आज प्रदेश में रोज तस्वीरें सामने आ रही, लोग ऑक्सीजन के लिए घंटों भटक रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है, अस्पतालों की दहलीज पे लोग दम तोड़ रहे हैं। मारामारी वाली स्थिति है, अराजकता वाली स्थिति है, इंजेक्शन लूटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लूटे जा रहे हैं। और ऐसे समय सरकार को यह सब व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय सरकार एक नए नौटंकी में लग गई है, एक अभियान चालू करने में लग गई, इसके नाम पे करोड़ों रुपए लुटाने में लग गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शिवराज जी से अपील की है कि शिवराज जी, आपके 16 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की जनता ने इस तरह के कई झूठे अभियान आयोजन और उसपे करोड़ों रुपए लुटाए जाने के मामले देखें, कृपया करके प्रदेश को बख्शिए। अभी यह समय नहीं है, अभी समय है कि लोगों को इलाज मिले, बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, इंजेक्शन मिले, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप महामारी के खत्म होने के बाद वापस इस तरह की नौटंकी में जुट जाइएगा। अभी तो प्रदेश की जनता को इस तरह की नौटंकी से बचाइए और इसके नाम पे फिजूल खर्ची को रोकिए। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी बदहाल स्थिति है यह रोज उजागर हो रही है। न अस्पताल है, न ऑक्सीजन है, न बेड है, न लोगों को इलाज मिल पा रहा है, न इंजेक्शन है, न वेंटिलेटर है। अब तो प्रदेश के कद्दावर वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव, जो वर्षों तक 15 वर्ष शिवराज सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने ही सरकार की पोल खोल के रख दिए। उन्होंने एक अपनी फेसबुक के ऊपर एक विज्ञापन दिया है कि एक एमडी की जरूरत है सागर क्षेत्र में, गड़ाकोटा जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए लाखों रुपए की तनख्वाह, सरकारी सुविधा, वेतन से लेके भोजन से लेके रहने के इंतजाम की बात की गई है। अब यदि मंत्री को इस तरह का विज्ञापन देना पड़ रहा है, इससे प्रदेश की स्थिति समझी जा सकती है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कितनी बदतर है कि प्रदेश के मंत्री खुद विज्ञापन दे रहे हैं, डॉक्टरों की भर्ती के लिए वेतन की बात कर रहे हैं, उनके भोजन रहने के इंतजाम की बात कर रहे हैं। यदि यह सब सरकार ने किया होता तो मंत्री को इस तरह के विज्ञापन देने की आवश्यकता न पड़ती। प्रदेश के एक मंत्री तो ग्वालियर में रत जगह कर चुके हैं अस्पताल के बाहर, लोग के अस्पताल में लोगों को इलाज मिल पा रहा है कि नहीं उसको लेकर टेंट लगा के बैठे। तो यह स्थिति जब मंत्रियों की है तो प्रदेश की आम जनता की स्थिति समझी जा सकती है। और शिवराज सरकार के सुशासन की यह विज्ञापन पोल खोल रहा है।
हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।